हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई स्मार्ट सॉल्यूशन पर। सो आज की सीडी में हम क्लास 12th के चैप्टर 6 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 में हमारे पास है क्या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की टॉप 10 क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस करेंगे। जो कि मैं आपको बता दूं, सीरीज 1 में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, हमें पता है कि एक्सरसाइज 1 और 4 हमारे पास डिलीट हो गई है। जैसे कि 2 एक्सरसाइज हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, एक थर्ड है हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल, थर्ड और फिफ्थ कौन सी हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा। इन तीनों ही एक्सरसाइज के ऊपर टॉप क्वेश्चंस की सीरीज आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो देखते हैं आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 क्वेश्चंस किसके, टेंजेंट एंड नॉर्मल के। तो देखते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल से रिलेटेड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो जो कि हमारे पास एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से काफी ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। तो सीरीज का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फर्स्ट क्वेश्चन में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछी है टू द कर्व। सबसे पहले मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं, कर्व को आप देखते हुए डिफ्रेंशिएट कर लें। सबसे पहले कर्व आपको मिलती है, क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, वी डू द डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अगर मैं एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करता हूँ, सो साइन एक्स का क्या डेरिवेटिव आता है, कॉस एक्स आता है। डेरिवेटिव हो गया, बहुत ईजी है। उसे बोला है हमारे पास एट पॉइंट दिए हैं 0 0 0 0 पर मुझे नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये मेरे पास जो स्लोप आती है, टेंजेंट की स्लोप आती है। मैं आपको बता दूं डीवाई पॉइंट डीएक्स को स्लोप बोलते हैं हम। किसकी स्लोप होती है डीवाई पॉइंट डीएक्स, स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसकी, ये है मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। फॉर्मूला आप अच्छे से पढ़ लेंगे, फॉर्मूले की बेसिक वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पर जीरो वैल्यू रख लेंगे एक्स की, लेकिन फिर भी मैंने अभी आपको बताया स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है क्या होती है, डीवाई पॉइंट डीएक्स। लेकिन अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होती है, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए हम सिर्फ और सिर्फ डीवाई पॉइंट डीएक्स को क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे, माइनस एक्स ऐड कर देंगे। यू नो वेरी वेल कि दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर केस क्या होता है, एम वन इंटू एम टू इक्वल में माइनस वन, और एम वन मेरे पास डीवाई अपॉन डी एक्स है, एम टू निकालना तो माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई आएगा। ये मेरे पास स्लोप किसकी होती है, नॉर्मल की होती है। तो यहां पर अगर मैं कंपेयर करूं, स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करूंगा, मान लेते हैं वो एम होगा हमारे पास, ये एम वन है तो ये एम टू होगा, क्या आएगा, माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई। माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई के लिए मुझे कॉस एक्स का उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि वन अपॉन कॉस एक्स, और कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, एक्स की वैल्यू जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, सो माइनस का वन हमारे पास स्लोप आएगी। ये मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वन वाई वन। और इक्वेशन को हम इजीली पॉइंट और स्लोप होने के बाद बहुत अच्छे से फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन का फॉर्मूला याद होगा, क्लास 11 में हमने पढ़ा है, एम वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई वन कितना है जीरो, एक्स वन कितना है जीरो, सिर्फ हमारे पास इजी सी इक्वेशन आ गई, एम कितना है माइनस वन और ये कितना एक्स माइनस जीरो बच्चा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आई, यहाँ पर लिख देते हैं वाई माइनस वाई इक्वल माइनस एक्स, माइनस वाला इधर आकर प्लस का, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। ऐसी कोई इक्वेशन है मेरे पास ऐसे ऑप्शन में हमारे पास, देखते कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। ये देखो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखते हैं अपनी सीरीज का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से बता दिया, अगर मुझे टेंजेंट की स्लोप यूज करनी है तो ये वाली यूज कर लेंगे, डीवाई अपॉन डीएक्स नॉर्मल, स्लोप करना है तो रेसिप्रोकल करके माइनस ऐड कर लेंगे। क्यों करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इसकी डिटेल वीडियो मैंने इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर भी किया है वहां पर, है ना। अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हमारे पास, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सेकंड में हमारे पास क्या बोला गया है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। सबसे पहले हम कर्व की इक्वेशन को मेंशन करते हैं, क्या दिया हुआ है कर्व की इक्वेशन, एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। मैंने आपको बताया था सबसे पहले कर्व की इक्वेशन मिलते हैं हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स का डेरिवेटिव वन, साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस का माइनस साइन, ठीक है। ये वाला फर्स्ट सेम रूल याद है ना आपको, फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, साइन एक्स का कॉस एक्स, ये तो होता है प्रोडक्ट रूल डेरिवेटिव करने के लिए। वन सेम प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, ये भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। ये भी कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास टू कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। ये डी वाई पॉइंट डी एक्स सेम, ये हमारे पास क्या है डी वाई पॉइंट डी एक्स आया। अब हम यहाँ पर अगर चेक करेंगे, अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू हमें पता है क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी है पाई बाई टू, एक्स कितना है पाई बाई टू, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू रखेंगे तो कोस 90 बहुत अच्छे से हमें पता है पाई बाई टू, कोस 90 जीरो होता है, ये सब हमारे पास क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास थी स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस का डी एक्स अपन वाई है, यानी कि जो मेरे पास टेंजेंट की स्लोप है उसे रेसिप्रोकल करके माइनस ऐड कर देना, बस खाली माइनस का वन अपन जीरो आएगा। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, एक्स हमारे पास है लेकिन वाई गिवन नहीं है। वाई की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो आराम से कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हो फंक्शन में, वाई निकल कर आ जाएगा मेरे पास। सो पुट करते हैं, देखो एक्स की वैल्यू कितनी है पाई बाई टू, ठीक है, साइन पाई बाई टू इंटू कॉस पाई बाई टू, और बहुत अच्छे से पता है कॉस 90 वैल्यू जीरो, यानी कि ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, वाई की वैल्यू भी क्या आएगी पाई बाई टू आएगी। सो स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे, मैं यहाँ पर डेरिवेटिव को इरेज कर देता हूँ,
क्योंकि ये वाला पार्ट हमें क्लीन बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ये पार्ट क्लीन कर देते हैं। इक्वेशन क्या होती है स्लोप की, y माइनस वाई वन, वाई वन कितना है पाई बाई टू, इक्वल में m स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास ये है वन अपॉन जीरो, एक्स माइनस एक्स वन, ये तो होता है याद रहे ना, इलेवंथ क्लास में पढ़ा होगा किसी भी कि बोल सकते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास होने के बाद, एक पॉइंट होने के बाद इक्वेशन निकाल सकते हैं टेंजेंट की नॉर्मल की। तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, हमें पता है डिनोमिनेटर में जीरो है, जीरो की मल्टीप्लाई करेंगे सारा पार्ट जीरो हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस का पाई बाई टू, माइनस के अंदर आकर प्लस का, ठीक है, डिवाइड चेंज इनटू मल्टीप्लाई, सो टू एक्स इक्वल में पाई हमारे पास आंसर आ गया। ऑप्शन है ऐसा, यस देखो ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, बिल्कुल हमारे पास ऐसा ऑप्शन नंबर दो डी बिल्कुल करेक्ट है, टू एक्स इक्वल में पाई। अब देखते हैं अपनी सीरीज का थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कैसे होने वाला है ना, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ऐसे ही आपको स्लोप मिलती है, सबसे पहले आप डेरिवेटिव कर लेना जिससे कि आपको इजी रहेगा ना। स्लोप क्या दी हुई है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसमें भी नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी है, और हमें स्लोप नहीं हमें दिया हुआ है कर्व की बार, वो हर बार जैसे कि मैंने आपको बताया कर्व मिलती है हम डेरिवेटिव कर लेंगे, एक्स टू माइनस एक्स, और एट हमारे पास पॉइंट क्या है टू जीरो, टू और जीरो पर चेक करें, ये एक्स वन होता है और ये वाई वन होता है हमारे पास, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करनी है, कर्व हमारे पास ये है, पॉइंट ये है, ऑप्शन सभी आपको अच्छे से डिस्प्ले हो रहे हैं। सॉल्व करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट क्या आएगा हमारे पास, एक्स का वन एक्स स्क्वायर का टू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है टू, पुट करते हैं सो कितना आएगा टू माइनस फोर इक्वल टू माइनस टू आ गया। ये मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आई, नॉर्मल की स्लोप हमारे पास माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई होती है, रेसिप्रोकल करके माइनस ऐड कर दो, सो माइनस ऐड करेंगे ये माइनस का टू ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू, आ गई स्लोप ऑफ नॉर्मल, पॉइंट हमारे पास है ही। इक्वेशन क्या होती है वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, ये तो जीरो बचा, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में टू वाई इक्वल में एक्स माइनस टू, माइनस वाला इधर आकर प्लस हो जाएगा और ये टू इधर आ जाएगा, ऐसी कोई इक्वेशन हमारे पास, देख लेंगे मैच कर लेंगे इससे मिलती जुलती, एक्स हमारे पास प्लस का इधर आकर माइनस का हो गई, माइनस का वाई, ठीक है टू वाई माइनस का टू वाई इक्वल टू टू, ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास, ये दो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू टू, यस और नो। अब देखते हैं सीरीज का थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, सॉरी थर्ड तो ये था, फोर्थ देखते हैं ना, थर्ड तो क्वेश्चन हो गया हमारा, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कर्व की इक्वेशन मिलेगी सेम, उसे भी डेरिवेटिव कर लेंगे, आसान हो जाएगा क्वेश्चन। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, द पॉइंट ऑन कर्व, एक हमारे पास कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, पॉइंट बताने वेयर टेंजेंट मेक्स 45 एंगल विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, मतलब बोल सकते हैं थीटा हमारे पास 45 डिग्री है। कुछ चीज हम जानते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे डेरिवेटिव, वाई स्क्वायर का टू वाई, वाई फंक्शन है, अगेन करेंगे एक्स का डेरिवेटिव वन, मल्टीप्लाई चेंज इनटू डिवाइड, सो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना आ गया हमारे पास वन अपॉन टू वाई। और बहुत अच्छे से पता है स्लोप के लिए एम का फॉर्मूला एक और होता है टेन थीटा, स्लोप फाइंड कर सकते हैं टेंजेंट की, थीटा कितना है 45 और टेन 45 वॉट वन, सो एम कितना है वन, ये भी मेरे पास एम है क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स को स्लोप बोलते हैं, तो एम की वैल्यू हम लिख सकते हैं वन अपॉन टू वाई आई ना, ये मेरे पास वन है सो ठीक है, डिवाइड चेंज टू मल्टीप्लाई, तो वाई की वैल्यू वन अपॉन टू, वाई वन अपॉन टू आ गया, और एक्स हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, और पॉइंट फाइंड करने तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करो, वाई की वैल्यू एक्स आ जाएगा, देखो एक्स इक्वल में क्या है वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू वन अपॉन टू, सो वन अपॉन टू स्क्वायर वन अपॉन फोर, पॉइंट क्या आया एक्स आया हमारे पास वन अपॉन फोर, वाई आया वन अपॉन टू, ऐसे कोई कोऑर्डिनेट है ऑप्शन में हमारे पास, यस हैंगे, देखो ऑप्शन नंबर बी देखो वन अपॉन फोर वन अपॉन टू बिल्कुल करेक्ट है। अब देखेंगे सीरीज का फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अच्छे क्वेश्चन है नहीं, अच्छे से टेंजेंट एंड नॉर्मल के यही टॉप 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा आप, प्रिपरेशन हो जाएगी, देन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा की सेपरेट सीरीज में डिस्कस करेंगे ना। फाइव क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ द टेंजेंट टू अ कर्व, एक हमारे पास कर्व है एक्स इक्वल में 80 स्क्वायर और वाई इक्वल में 280, ये आपको पता होगा डेरिवेटिव की एक्सरसाइज में भी दिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं और कॉमन इक्वेशन बोल सकते हैं पैरामेट्रिक फंक्शन वाली, डिफरेंशिएट करना बहुत आसानी से आता है इनका। उन्होंने बोला इस परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ये भी कॉन्सेप्ट को देखेंगे, देन इट पॉइंट ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट चेक करना है, आसान है, सबसे पहले डेरिवेटिव करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी, टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, टी स्क्वायर क्या होता है 280, ये तो कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का 2t, मैंने अच्छे से लिख लिया, यहाँ पे y का करेंगे t के रेस्पेक्ट में, t का 1, तो 2a आ गया। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, आपने पैरामेट्रिक फंक्शन पढ़ा होगा dy अपॉन dt, ये हमारे पास सेकंड है, फर्स्ट क्या है dx अपॉन dt, ठीक है, इक्वल में क्या है 2a और ये क्या है 280, कुछ कैंसिल, 2a से 2a कैंसिल 1 अपॉन t, dt से dt कैंसिल, dy अपॉन dx बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई हमारे पास 1 अपॉन t,
कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक आपको। क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस बोलो या पैरेलल टू द वाई एक्सिस बोलो, होता क्या है वहां पर उस केस में ध्यान रखना है आपको, dx अपॉन dy हमारे पास जीरो के इक्वल होता है, किस केस में, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस और पैरेलल टू द वाई एक्सिस। उल्टा इसका हो जाएगा जब परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस बोलेगा तो वहां पर dy अपॉन dx जीरो हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू देखो dx अपॉन dy है, उल्टा करेंगे यानी कि t इक्वल टू जीरो, t की वैल्यू जीरो, अब यहां पर पुट करेंगे तो कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, तो x हमारे पास क्या आएगा, t की वैल्यू जीरो पुट करेंगे x जीरो आएगा, यहाँ पर t की वैल्यू जीरो पुट करेंगे y भी जीरो आएगा। तो ऐसे कोऑर्डिनेट है हमारे पास, ऐसे कोई देखते हैं ऑप्शन में हमारे पास, जैसे देखो फिफ्थ का हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है जीरो जीरो। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, सिक्स में कैसे क्वेश्चन दिया, कैसे उसे सॉल्व करेंगे ना। सिक्स हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिक्स क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, सिक्स में बोला था पॉइंट ऑन द कर्व, एक कर्व दिया है वाई इक्वल में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है, वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द y इक्वल में x के परपेंडिकुलर। अभी देख लेते हैं, ये हमारे पास कर्व है, कर्व से पहले क्या फाइंड करते हैं, स्लोप, dy / dx कर लेते हैं, x स्क्वायर का 2x और x का 1, तो 2x - 3 इसका डेरिवेटिव आएगा जिसे हम स्लोप बोल सकते हैं। और हमारे पास एक उन्होंने बोला है वेयर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, एक लाइन की इक्वेशन है y इक्वल में x परपेंडिकुलर इसके, यहां से स्लोप देखते हैं, ये जो स्लोप आई इसे मान लेते हैं एक मिनट के लिए m1 आई, और ये y इक्वल में mx + c से कंपेयर करेंगे, पढ़ा है 11th में, तो x का मल्टीपल 1 है, तो m कितना आएगा 1, So, M2 भी आ गया और M1 भी आ गया। और एक चीज अच्छे से पता है, जब दो स्लोप आपस में परपेंडिकुलर है, पता है कर्व की और इसकी, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है, 4 परपेंडिकुलर M1 into M2 इक्वल में माइनस 1, तो M1 कितना है हमारे पास 2x माइनस 3, ठीक है, M2 कितना है 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माइनस का 3 इधर आकर कैसा हो जाएगा, प्लस का 3 कितना आएगा 2, और 2x, x की वैल्यू क्या आई 1, x की वैल्यू 1 अगर मैं यहां पुट कर दूंगा तो y मेरे पास क्या आएगा, देखो आप यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करो, y मेरे पास 0 आया, यानी कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, ठीक है। और क्वेश्चन में बोला क्या है, फाइंड क्या करना है, तो हमने देखा ही नहीं, क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन 6 में हमारे पास द पॉइंट, पॉइंट फाइंड करने आ तो गए, x की वैल्यू 1 आई और y की वैल्यू 0, यही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब देखेंगे अपनी सीरीज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 7 कैसे होने वाला है ना, 7 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, 7 में क्या बोला गया है, सेवन को बोला गया था पॉइंट और अ कर्व, एक कर्व है वाई स्क्वायर इक्वल में एक्स, ठीक है, और उन्होंने बोला वेयर द टेंजेंट मेक 45 डिग्री एंगल विद द एक्स एक्सिस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये बताया था थीटा इक्वल 45 है, एम इक्वल में क्या होता है टेन थीटा, थीटा कितना है 45, टेन 45 की वैल्यू है एम, एक एम यहां से आ गया, एक एम यहां से निकाल लेंगे, वाई स्क्वायर 2y, सेम डिप्टो क्वेश्चन वाली लग रहा है मुझे, कर्व भी वही लग रहा है सेम है ना, तो डी वाई पॉइंट डी एक्स कितना है हमारे पास 1/2y, और स्लोप कितनी है 1 है, सेम यही तो क्वेश्चन था, y इक्वल में 1/2 और x इक्वल में 1/4 आया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 था शायद वो हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या आया, मुझे क्वेश्चन बिल्कुल सेम लग रहा है ना, हाँ देखो ये 1/4 आया और 1/4 आएगा x, हम यहाँ पर पुट करेंगे तो अभी किया था इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 4, देखो रिपीट क्वेश्चन है हमारे पास, इसका ऑप्शन भी क्या करेक्ट है, वही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन रिपीट होगी अपनी सीरीज में, कोई नहीं चल जाएगा, अब देखते हैं सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये तो आसान क्वेश्चन था, मतलब रिपीट देखते तो आसान ही हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8 में क्या बोला गया है, द पॉइंट ऑन अ कर्व y इक्वल में एक कर्व दिया है 12x माइनस x स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 0, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितनी है 0 है, अभी चेक करते हैं हमारे अकॉर्डिंग कर्व की स्लोप क्या आएगी, x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का 2x, m हमारे पास 0 दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस का 2x इधर आकर प्लस का 12 सेम, x की वैल्यू 6 आ गई, x 6 से यहां पर x रखेंगे, y कितना आएगा चेक करो, 72 माइनस 36 मींस 36 आएगा हमारे पास y, यस और नो, पॉइंट आ गए 636, पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ये बोला गया है पॉइंट ही फाइंड करने, वाओ वेयर 636 पे हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। देखो सीरीज का 9 क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्या दिया हुआ है ना, 9 क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा, ये क्वेश्चन अच्छे हैं काफी और इजी भी है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे, हार्ड वाले क्वेश्चन अभी नहीं है, मैं आपको बता दूं, भी सोचा आप इतने हार्ड सर इजी इजी करा रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोगों के लिए ये भी हार्ड होंगे, लेकिन हार्ड वाले क्वेश्चन की सीरीज अलग लाएंगे, एसरेशन रीजंस की भी, और बोल सकते हैं केस स्टडी वाले कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे, तो इसका लेवल भी बढ़ाएंगे धीरे धीरे सीरीज में। तो देखते हैं 9 क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है सीरीज का, 9 में हमारे पास बोला गया है द एंगल बिटवीन टू कर्व, एक कर्व हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर इक्वल में एक्स, इसको डेरिवेटिव कर लेते हैं, सेकंड क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल में वाई, अच्छा क्वेश्चन है, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो dy / dx कितना आ गया हमारे पास 1/2y, और जिसे हम क्या बोल सकते हैं m1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड वाले कर्व को देखते हैं, x स्क्वायर का होता है 2x,
वाई का डी वाई पॉइंट डी एक्स, जिसे हम एम टू भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या बोला, एंगल, एंगल बिटवीन दैम, एंगल फाइंड करना, और एक्स की वैल्यू क्या दिए, वन वन, एक्स की भी वन और वाई की भी वन। तो मेरे पास एम वन कितना आएगा, वन वैल्यू रख देंगे तो वन पॉइंट टू आएगा, और एम टू कितना आएगा, वन रख दो एक्स की वैल्यू तो टू आएगा। एम वन एम टू आ गए, फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल में एम वन माइनस एम टू वन प्लस एम वन एम टू, अभी पता चल जाएगा। एम वन कितना हमारे पास, वन अपॉइंट टू, एम टू कितना हमारे पास, टू, ये वन प्लस वन अपॉइंट टू और ये टू, टू से टू फिनिश हो गया हमारे पास। सॉल्व एलसीएम लेते हैं, ये कितना आएगा, माइनस का थ्री अपॉइंट फोर, और मॉडुलस में होगा तो थ्री अपॉइंट फोर पॉजिटिव आ जाएगा। ऑप्शन है हमारे पास, है देखो, थीटा इक्वल बाय टेन इनवर्स थ्री अपॉइंट फोर, ये मॉडुलस में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे कुछ कर कर ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ऑप्शन देखो हमारे पास कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखते हैं अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टेन क्या दिया गया है ना, टेन क्वेश्चन को देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन होगा, फिर सीरीज सेकंड देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में, इससे आपको इसी चैप्टर के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर टेन में हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर टेन में बोला गया था इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट दोस पॉइंट वेयर द कर्व, कर्व क्या है हमारे पास, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डेरिवेटिव कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव टू एक्स और एक्स का वन, ये हमारे पास बोल सकते हैं स्लोप आ गई है, ठीक है। उन्होंने बोला मीट एट एक्स एक्सिस आर, यानी कि हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करनी जो उस पॉइंट पर, जो पॉइंट एक्स एक्सिस को टच करती है, यानी कि स्लोप एक्स एक्सिस को टच करेंगे तो वाई की वैल्यू जीरो, और वाई की वैल्यू जीरो अगर मैं यहां पुट करता हूं तो देखो क्या आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू इसके फैक्टर आ जाएंगे, एक बार इसके इक्वल जीरो रहेंगे तो एक्स की वैल्यू वन आ जाएगी, एक बार इसके इक्वल टू जीरो रखते हैं तो एक्स की वैल्यू टू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो वाई क्या आएगा, वन रखकर देखो वाई क्या आ रहा है, वाई आ रहा है जीरो, यानी कि पहला पॉइंट जिस पर हमें चेक करना है एक्स वन वाई जीरो। सेकेंड अगर मैं वाई एक्स की वैल्यू टू रखता हूँ तो वाई क्या आएगा, एक्स की वैल्यू टू रखो फोर माइनस सिक्स प्लस टू, यानी कि ये भी जीरो आ रहा है, यानी कि सेकेंड पॉइंट भी मिल गया, टू और जीरो दोनों पॉइंट पर हमें स्लोप फाइंड करनी है। ये स्लोप फाइंड कर लेंगे फिर टेंजेंट फाइंड कर लेंगे। स्लोप देखते हैं पहले एम वन क्या आएगी, पहले पॉइंट पर एक्स की वैल्यू वन रखो माइनस वन आया, यस और नो, एक्स की वैल्यू वन रखकर देख सकते हैं आप, टू रखेंगे प्लस वन आएगा। तो इक्वेशन क्या होती है, वाई माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। सॉल्व करें, वाई माइनस एक्स प्लस वन, माइनस वाला इधर आकर प्लस का वन इधर आकर माइनस का, एक इक्वेशन तो ये है, ऑप्शन में चेक करेंगे अभी। सेकेंड इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, वाई माइनस वाई वन, इसका एम कितना है वन, एक्स माइनस एक्स वन, आपको अच्छे से करते करते प्रैक्टिस हो गई होगी, इसे इधर ले आओ, एक्स माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सो दोनों हमारे पास इक्वेशन आएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास ऐसा है, इन दोनों से मिलता जुलता, यस है। देखो ऑप्शन नंबर, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सेकंड देखो बिल्कुल करेक्ट है, यस और नो, किस तरीके से लिखे हुए अच्छे समझ में आ गए होंगे। होप सो टॉप 10 क्वेश्चंस की ये सीरीज टेंजेंट एंड नॉर्मल के कॉन्सेप्ट के लिए आपको बहुत ज्यादा पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले लेटेस्ट अपडेट की वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।